एग्जांपल कि यहाँ पर हमारे पास एक हमें कॉइल दे दी गई है। अब इस कॉइल को हम क्या करते हैं, हम इसके साथ काम ये करते हैं कि इस कॉइल को पकड़कर बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इस कॉइल को जो है इस कॉइल को या रॉड को जिस जो रॉड है इसको वायर से कनेक्ट करके बैटरी के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। हमें मालूम है कि जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, तो हमारे करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि ये पॉजिटिव से चलता हुआ नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा इस तरीके से। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इस बात पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस बात को काफ़ी डिटेल से देखा था कि जब हमारे पास कोई मेटल रॉड हो और उसे हम लोग किसी जो है वायर्स के ज़रिए किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो उस बैटरी के थ्रू जो है उस रॉड के अंदर से, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर से करंट पास करना शुरू हो जाता है। जब भी किसी जो है मेटल की चीज़ के अंदर जो भी मेटालिक चीज़ है उसके अंदर करंट पास हो रहा हो, तो करंट के पैसेज की वजह से क्या होता है कि उस मेटेलिक मटेरियल के अराउंड जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपेयर होना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इनके बारे में हमें पता था कि ये सिर्फ रॉड्स में ही नहीं बल्कि अगर डिफरेंट चीज़ें हैं, सोलेनाइड है, आपके पास कोई बहुत ज़्यादा सर्कल पे कंसिस्टेंट वायर है उसे भी आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना अपेयर हो जाता है, मतलब कि उसके साइड्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती है। अगर इस चीज़ को हम लोग डिटेल वे में यहाँ पर सेपरेट करके बनाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारी वो वाली रॉड है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, इस रॉड को हम लोग अलहदा करके यहाँ पर बना लेते हैं और अभी भी हम यही अज्यूम करते हैं कि इसमें जो करंट है वो अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमें ये भी मालूम है कि इसकी साइड में सर्कुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, इसे समझने के लिए इसे सेपरेट कर लेते हैं, मतलब कि हम सिर्फ अपने इस वाले पोर्शन को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को। इसमें से हम लोगों ने रॉड सेपरेट कर ली, अब हमारी बारी है कि हम इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इसके अराउंड जो है बना दें। तो ये हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इस तरीके से इसके अराउंड बना देते हैं। जाहिर सी बात है सारी की सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इनके जो है मैग्नेटिक में जो हमारा मेटेलिक मटीरियल है उसके गियर सर्कुलर वे में होती हैं। हमें मालूम है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास बी की डायरेक्शन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हम लोग एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। एम्पेयर्स लॉ क्या है? एम्पेयर्स लॉ ये चीज़ बताता है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन हो, हमने बताया था कि जो बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये किसी चीज़ के अराउंड हो और उस चीज़ के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो तो हम इसे कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप सिंपली मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं और इसे बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्पेयर्स लॉ ने क्या कहा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, अगर मैं इस बी का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ किस चीज़ के साथ, हमारे पास तो यहाँ पर सिर्फ डॉट जो एक रॉड है, रॉड का या तो एरिया हो सकता है या इसकी लेंथ है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई और चीज़ है ही नहीं अवेलेबल, या एक करंट है जो इसके अंदर से पास कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास एम्पेयर है उसने ये कहा कि अगर हम जो बी का डॉट ले लें इस रॉड की लेंथ के साथ, मतलब कि आप जितनी मर्जी लंबी लेंथ ले लें, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो फुट में लेंथ जो है उसकी लेंथ आ जाए, फीट्स में आ जाए, अगर आप कोई भी लेंथ यहाँ पर ले रहे हैं, किसी भी रॉड को रख रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। उसने उस लेंथ को कंसिडर किया और उसके अराउंड जो उसने मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस की थी करंट की वजह से उसे कंसीडर किया। तो एम्पेयर ने कहा कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल आएगा म्यू नॉट टाइम्स आई इंटू आई टी, मतलब आई टी टोटल करंट, जो इस रॉड के अंदर से टोटल करंट पास कर रहा है उसकी उसका अगर मैं म्यू नॉट के साथ प्रोडक्ट ले लूँ तो ये जो है हमारे पास बी डॉट एल के इक्वल आ जाएगा, जिसे एम्पेयर्स लॉ कहा था। इसे एम्पेयर्स लॉ उसने किस तरीके से कह दिया, उसने इस तरीके से कहा कि ये जो हमारे पास बी है ये उतनी ही ज़्यादा हो सकती है जितनी यहाँ पर करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, मतलब कि आपके पास अगर बैटरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जितनी बैटरी स्ट्रॉन्ग है और आपके पास बहुत अच्छा मेटेलिक मटेरियल यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है वो करंट को ज़्यादा पास होने देगा, तो जितने अमाउंट में करंट यहाँ पर जितना मैक्सिमम फ्लो करेगा
उतनी ही यहाँ पर आपके पास सर्कुलर डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो इसका मतलब है कि एम्पेयर की जो बात है वो तो वैलिड है। मतलब कि अगर मैं तो बी की स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे चाहिए कि मैं अपने आई को, यानी कि जो उस मेटेलिक मटेरियल के अंदर से करंट पास कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कर दूँ, उसकी इंटेंसिटी को, उसकी मिकदार को जो है वो ज़्यादा कर दूँ, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो। अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये किया जाए, अब यहाँ पर देखें तो ये एक सर्कल है ना, बेसिकली तो ये एक सर्कल ही होता है, ज़रूरी भी नहीं है सर्कल हो, लेकिन हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है। तो सर्कल का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, और सेंटर से यहाँ तक हमारे पास हमें मालूम है कि ये हमारा रेडियस है। आपको मालूम है कि अगर कोई बार है, लेट्स से कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की वजह से जब भी कोई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से हो रही होती है, और यहाँ पर जो है वो भी इस तरीके से हो रही होती है। लेकिन कुछ फासले के बाद, कुछ दूर जाने के बाद, ये बहुत दूर दूर तक हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर तो आप किसी मटेरियल को रख के इसका मैग्नेटिक इफेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर चेक करें तो उस वक्त मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो चुका होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ते चले जा रहे हैं, दूसरे वे में ये कह लीजिए कि जैसे जैसे आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन दूर होती चली जा रही है आपके मैग्नेटिक मटेरियल से, उसी तरीके से जो आपकी इंटेंसिटी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो कम होती चली जा रही है। तो क्यों ना हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं ना कि अगर ये हमारा सर्कल जो है, सर्कल का रेडियस कम होगा, मतलब कि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन की लाइंस हैं कि इस तरीके से क्लोज आ जाए, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगी, तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक इंडक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दूर जाकर इसकी जो है इफेक्ट का जो है वो कम हो जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन का, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन को बढ़ाना है तो मुझे अपने रेडियस को छोटा ही रखना पड़ेगा। अगर रेडियस छोटा होगा तो जाहिर सी बात है फील्ड इस छोटे से रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब है सिर्फ इन दो फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, और ये जो आर है ये सर्कल का रेडियस है, इन दोनों फैक्टर ए और बी को आपस में कंबाइन करते हुए और इन्हीं दोनों के बेसिस पर जो है एम्पेयर्स लॉ डिफाइन किया गया था, एम्पेयर ने कहा कि अगर किसी चीज़ के अंदर, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कोई भी ऐसा मेटेलिक मटेरियल है जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है और वो मैग्नेटिक मटेरियल बन चुका है, तो उसके अंदर से जितना करंट ज़्यादा पास करेगा उतना ही उसके अराउंड जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, और अगर उस मैग्नेटिक इंडक्शन का रेडियस जो है वो स्मॉल कर दिया जाए, वो ज़्यादा दूर तक ना फैले, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक इंडक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इन्हीं दोनों फैक्टर को कंसीडर करते हुए अगर हम ये कहें कि अब जो बी है वो बेसिकली उसे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है आर के, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का जो है वो कांस्टेंट ये इलामत जो है सिंबल हटाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो लगाना पड़ता है। तो अगर बी के बाद मैं इज इक्वल्स टू डाल दूँ तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो है हमारा डायरेक्टली का रिलेशन ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट की वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया और आई डिवाइडेड बाई आर। इसी तरीके से अब क्या होगा, एम्पेयर्स ने अपने एम्पेयर लॉ में क्या कहा कि उसने ये जो कांस्टेंट यहाँ पर यूज़ किया, उसने इस कांस्टेंट को नाम दिया कि ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई है। उसने खुद ये कांस्टेंट सेलेक्ट किया, क्योंकि कांस्टेंट आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। एम्पेयर्स ने जो कांस्टेंट रखा वो ये रखा, इसकी एक रीज़न थी कि इसने इसे क्यों रखा, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो अब जो बी है वो बेसिकली हमारा आ जाता है यहाँ पर म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये 2 पाई आर जो है सर्कमफेरेंस आ जाता है हमारे पास ऑफ सर्कुलर पाथ। हमारे पास जो सर्कुलर पाथ का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है। तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाता है हमारे सर्कुलर पाथ का, जिसे उसने लेंथ L के इक्वल कर लिया, जो उसने रॉड की लेंथ यूज़ की है एम्पेयर्स ने उसे L के इक्वल कर लिया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर रिलेशन आ जाता है वो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई यहाँ पे L आ जाता है इस तरीके से, और B हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इसी तरफ रह जाता है। उसके बाद अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें और L को जो है B के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो B और L का जो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है वो प्रोडक्ट जो है वो म्यू नॉट I के इक्वल आ जाता है। और ये जो I है ये टोटल करंट है जो कि उस लेंथ के अंदर से, जो कि उस रॉड की लेंथ के अंदर से फ्लो कर रहा है।
और यहाँ पर भी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, डॉट प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, ये प्रोडक्ट के सेंस में मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक डॉट प्रोडक्ट जा रहा है, बल्कि सिंपली एक प्रोडक्ट है जो कि बी और एल के दरमियान है, जिसका जो प्रोडक्ट है इक्वल आता है म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स आई जो है म्यू नॉट टाइम आई के इक्वल आ जाता है। और आई टी को इसलिए लिखा है कि टोटल करंट है जो कि उस वायर के अंदर से या उस मटेरियल के अंदर से जिसकी लेंथ एल है उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ, ये तो हमारी जो है एक चीज़ की बात होगी ना, कि अगर मैं अपने सर्कल को सिर्फ एक ही सर्कल की बात करूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ पर मेरी रॉड थी और ये मेरे पास जो है बी मैग्नेटिक इंडक्शन का जो है सर्कल जा रहा है इस तरीके से, अगर मैं इस सर्कल को बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में तकसीम कर लूँ, तो हर सेगमेंट के लिए भी मैं जो है एम्पेयर्स लॉ निकाल सकती हूँ। मतलब कि हर सेगमेंट के ऊपर मेरे पास एम्पेयर लॉ जो है वो वैलिड होगा, और हर सेगमेंट के लिए अगर मुझे एम्पेयर लॉ निकालना पड़े तो लेट से मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि बी एल वन जो सेगमेंट वन के लिए आएगा वो म्यू नॉट आई टाइम्स आई आई टाइम म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पर आई टी है, इसे हम लोग यहाँ पर वन लिख लेंगे। सिमिलरली अगर मुझे बी एल टू के लिए यानी कि सेगमेंट टू के लिए निकालना पड़े तो ये भी म्यू नॉट टाइम्स आई और यहाँ पर टी, और ये दूसरे सेगमेंट के लिए आ जाएगा। सिमिलरली सो ऑन अगर हम चलते चले जाएं और यहाँ पर हम लोग सेगमेंट एन तक आ जाएं, मतलब कि इतना ज़्यादा उस जो है सर्कुलर मैग्नेटिक इंडक्शन को अगर हम डिवाइड कर लें तो उसके अंदर जो है एम्पेयर्स लॉ वैलिड करेगा, वो म्यू नॉट टाइम्स आई टी इंटू एन के इक्वल आ जाएगा। मतलब मैं होल सर्कल के जो है नीचे आप एन लिख सकते हैं, जो कि आपको बता देगा कि एन सेगमेंट के बारे में एम्पेयर्स लॉ है। तो इसे अगर हम लोगों ने एज अ कम्बिनेशन लिखना हो तो एज अ कम्बिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये म्यू नॉट टाइम आई इंटू टी यानी कि टोटल करंट जो कि उस सर्किट के अंदर से पास हो रहा है उसके इक्वल आ जाता है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये सिग्मा इस तरीके से, बल्कि यहाँ यूँ बताना चाहिए कि ये जो है अब सिग्मा बी एल जो है वो इसके इक्वल आ जाता है। एम्पेयर्स लॉ हम पढ़ते क्यों हैं और हमें इसका फ़ायदा होता क्यों है? हमें बाज़ जगहों पर करंट की जो है इंटेंसिटी या करंट की जो मिकदार है उसके बारे में मालूम करना होता है कि इस चीज़ के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो ये सोलेनाइड वायर है, सोलेनाइड वायर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा होता है उस करंट का पता जो है एम्पेयर्स लॉ के थ्रू पता चलता है। सिमिलरली जब हमें करंट मालूम करना होता है टोराइड में, अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि ये हमारे पास टोराइड क्या है, अगर हमें टोराइड के अंदर भी करंट मालूम करना हो तो वो करंट भी हम एम्पेयर्स लॉ के थ्रू मालूम करती हैं। एम्पेयर्स लॉ का ही कंसेप्ट और इसका जो तरीका है वो इस्तेमाल करते हुए हम जो है करंट मालूम कर लेते हैं डिफरेंट मटीरियल के अंदर जिनके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पास कर रहा हो, तो हम वहाँ पर करंट की मिकदार का पता या करंट की जो फ्लो होने की इंटेंसिटी है उसका पता जो है एम्पेयर्स लॉ के थ्रू लगा सकते हैं। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन थी और एम्पेयर्स लॉ के बारे में था कि एम्पेयर्स लॉ किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किस तरीके से हम एम्पेयर्स लॉ को डिफाइन करते हैं।